इज हमारे साथ हैं स्मिता मैम. हाय. एंड हमें थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत सारे व्हाट्सएप पे काफी सारे आपके मैसेजेस भी आए हैं. एंड द्रोणागिरी से डॉक्टर सपना के कुछ डिमांड्स हैं, ऐसा आज हमारे साथ है कुकिंग एक्सपर्ट. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स माय व्यूअर्स कि उन्होंने काफी पसंद आई है और मुझे फिर से चांस मिला है यूट्यूब चैनल मंथन टीवी, तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंक यू आपको थैंक्स कहती हूँ. और आज हम डॉक्टर सपना जो द्रोणागिरी से जो हमारी व्यूअर्स है उनकी डिमांड पे आज हम वेज कटलेट बनाएंगे, तो आइए हम आपको इंग्रीडियंट्स दिखा देते हैं. हमें और भी व्यूअर्स से मिला है कि मैम का सप्लाई भी है और मैम ऑर्डर्स भी लेते हैं बहुत सारे अलग, तो मैम आप क्या क्या किस किस चीज के ऑर्डर हैं? मेरे ऑर्डर स्केक्स के हैं, चॉकलेट से, देन हम इंस्टेंट क्रीमी स्वेरी बनाते हैं, खराब नहीं होती है, आज खराब नहीं होती है, सो वर्किंग पीपल वाह. नो प्रिजर्वेटिव्स या और साथ में हम जो फ्रोजन से जैसे कि आप डीमार्ट में जाते हैं स्माइटी है नटी से वो भी हम बनाते हैं. और आगे जाते हो अगर आपको चाहे हम काफी जैसे कि कोई ये न्यूली मैरिड है कॉलेज स्टूडेंट्स है आजकल की लड़कियों को पहले इंटरेस्ट नहीं रहता किचन में डांस बिकॉज दे आर वेरी बिजी विद देयर स्टडीज एंड ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द सो मोस्ट ऑफ द दे इंटरेस्टेड बट आर नॉट वेरी गुड एट, तो सडनली उनकी मैरिज आ जाती है, एंगेजमेंट हो जाता है, तो हस्बैंड और हस्बैंड का क्या क्या है वो स्टमक राइट. तो आप टेस्टी बना आप टेस्टी बना तो कोई ऐसे लेडीज जो लड़कियां है जो चाहती है तो उनको हम दो दिन में जो हमारे डेली यूज में आते हैं वो भी हम उनको सिखा देते हैं जितनी चाहिए चाहिए. थैंक यू. तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है इंस्टेंट और क्विक और सबके स्टमक फिल और सब हैप्पी. तो हमारे पास अब हमारे पास बहुत ही कुकिंग एक्सपर्ट हमारे पास आते हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, आप हमारे डालते जाइए एज यूजुअल. थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड इंटरेस्ट. अब हम चालू करते हैं. अब हम आपके इंग्रीडियंट्स बताएंगे, हम बनाने वाले हैं वेज कटलेट्स. ओके, तो इसके लिए चाहिए ये मैंने आलू लिए है 1 kg. ओके, उसको मैंने 5 whistle से बॉइल करके स्किन निकाल के स्मैश कर दिए है. फिर ये है ग्रीन पीस. ओके, मैं फ्यूचर में बताऊंगी ये जो फ्रेश ग्रीन पीस है इसको मैंने स्टोर किया हुआ है. तो ये मैंने इसको थोड़ा हल्का सा स्मैश कर दिया है. ये दो पीक मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम, इसको मैंने कद्दूकस कर दिया है. ये भी बॉइल नहीं, ये कच्चा ही लेना है, खाली इसको ग्रेट करना है. ये साथ में है 2 चम्मच नींबू का जूस, ए अदरक मिर्ची का पेस्ट, सॉल्ट, और ये मैंने बनाया है, मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ. ये है 1 teaspoon है. ओके, तो ये है 1/2 teaspoon है. ओके, तो इसमें 1/2 teaspoon मैंने लिया है गरम मसाला. ओके, आमचूर. ओके, एंड चाट मसाला, ये तीनों मैंने एक एक चम्मच लेके मिक्स कर दिया है. आमचूर चाट मसाला एंड गरम मसाला, ये तीनों मैंने मिक्स कर लिया है. साथ में हम लेंगे नमक. ओके, ये रवा, बारीक रवा, सूजी जो कहते हैं. ओके, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कॉर्नफ्लोर जो हमें सरी बनाने के आगे मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो ये रेडीमेड मिलता है लेकिन कॉर्नफ्लोर. हाँ, कॉर्नफ्लोर. एंड दिस इज अ ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स ये कैसे, अगर मान लीजिए कुछ अवेलेबल ना हो मार्केट में, कोई कोई जगह पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बड़े बड़े सिटीज में या ऐसी जगह पे अवेलेबल है, आपके पास नहीं है, आप एक ब्रेड लेके आइए. ओके, ब्रेड को पीसेस करके आप मिक्सी में इसे बारीक कर लीजिए. बारीक करने के बाद एक कढ़ाई में आप उसको भूज लीजिए. इस तरह से देखो ड्राई हो रहे हैं, इस तरह से ड्राई हो जाए तो ये आपको बाहर भी सही ब्रेड क्रम्स बन जाएगा, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है. और अगर आप सैंडविच बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो आप जो साइड के जो कट्स करते हैं जी जी, तो वो भी आप उसको रख दीजिए ऐसे ही, कुछ धूप में मत रखिए, रूम टेम्परेचर पे, ये 2-3 दिन में ड्राई हो जाएगी. ड्राई हो जाएगी तो इस तरह से उसको पीस लीजिए और आप फ्रीज में रख दीजिए, या आपका 6 महीना साल भर तो कुछ नहीं होगा. कभी हम पाव भाजी बनाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं, या यूजुअली हम ब्रेड बटर के लिए ब्रेड लेके आते हैं तो काफी सारे बच जाते हैं, तो उसे भी हम पीसेस करके ये ताजे वाले ब्रेड का बना सकते हैं, मतलब इंस्टेंट अगर रिक्वायरमेंट हो तो तुरंत ही ब्रेड डालते हैं. मैंने इसी तरह से बनाया है. ओके, जरूरी नहीं कि हर एक को सुखाया जाए, पहले डायरेक्टली डायरेक्ट भी बनाया जाता है, आप रोस्ट कर दीजिए. चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे जी आज की रेसिपी. हम पहले लेंगे स्मैश आलू जो हमने काटे रखे हैं. ओके, ये कितने आलू होंगे? 1 kg है. 1 kg करके मैंने स्मैश कर लिया है जी.
इसके बाद हम लेंगे जो हमने कद्दूकस किया हुआ पीली है 250 ग्राम्स ओके। इसके बाद हम लेंगे ग्रीन पीस ये देखो हमने स्मैश करना है बोलते हैं। इसके बाद में हम लेंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट, आप अकॉर्डिंग टू आप पेस्ट ले सकते हैं क्योंकि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। लेमन जूस डालेंगे हम ओके 2 चम्मच। ये हमने जो 3 पौधे मैंने आपको बताया हुआ था हाँ। गरम मसाला चाट मसाला और आमचूर वो मिक्स कर डाल देंगे हम नमक अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट। साथ में हम लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में ले लिया हल्दी पाउडर हल्का सा जस्ट फॉर कलर। काफी लोग है ना इसे है ना स्पून से मिक्स करते हैं तो मैं अपनी जिसे हमारी मॉम थी हमारी दादी की नानी हाथ से मिक्स करते थे ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आए फ्लेवर आए हाँ। तो इसलिए हम थोड़ा ऐड करेंगे सूजी ओके। ये भुना हुआ है नहीं कच्चा ओके कच्चा और साथ में थोड़ा ब्रेड क्रम्स डालेंगे ओके अंदर डालेंगे ताकि इसमें अगर पानी हो ना तो सॉक कर ले ताकि हमारी कटलेट है वेज कटलेट काफी टेस्टी बनी हो। भी ऐसे हम सब पूरा मिक्स कर लेते हैं देख सकते हैं अपना अच्छे से मिक्स हो चुका है ओके ओके। अब हम आगे करेंगे जैसे मैंने बताया था एक कॉर्न फ्लोर है जी ओके इसे हम सरी बनाएंगे ओके। हम लेंगे 1 टेबल स्पून लेंगे इसको ओके ओके। साथ में हम इसमें हल्का सा सॉल्ट मिक्स करेंगे ओके ज्यादा नहीं हल्का सा ही ओके। साथ में हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे हमें ज्यादा लिक्विड भी नहीं बनाना है ज्यादा सॉलिड भी नहीं बनाना है ये किसी काम आता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे ओके। ऐसे मैं बताऊंगी तो व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा साइज क्या है इसका ओके ओके। ये सूजी है हाँ जी सूजी को हम ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स करेंगे ओके। करेंगे कोटिंग के लिए ताकि हमारी कटले से वेज कटले जो हम बना रहे हैं एकदम क्रिस्पी बाहर से बने और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनाओ ओके। ये है ट्रिक ओके। अब हम आप इसके लिए कोई भी शेप दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है आप राउंड शेप बना लो ओवल शेप बना लो सिलेंडर शेप बना लो कोई भी शेप ओके। तो मान लीजिए आपके पास नहीं दिया साथ है तब भी आप हाथ से ओवल शेप भी बना सकते हैं बहुत अच्छा आगे आगे अगर मार्केट में आप जाओ तो उसके लिए हाथ शेप भी मिल रहा है आपको इस तरह का शेप भी मिलेगा ओके। या तो नहीं हो तो हाथ से राउंड बना के उसको भी करें ओवल शेप आज मैं एक शेप ले रही हूँ ओके ओके। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी इसको इस तरह से हम प्रेस करेंगे ओके। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जी हम निकाल देंगे बाहर ओके इसको हल्का सा प्लेस कर देंगे दे सकते हैं ओके वाओ। अब इसे हम ये जो कॉर्नफ्लोर सही हमने बनाई थी ना आपको दे रहे थे जी 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 दिस इज फॉर दिस ओके ये इसको कोट करे तो जाए वाओ फैंटास्टिक आइडिया ओके। उसी तरह से ऐसे ही हो गया अपना ये रेडी बाकी क्या बनाएंगे और तो हम देख सकते हैं कि हमारे अलग अलग शेप्स में ये पेटीज रेडी है तलने के लिए ये सिलिंड्रिकल शेप ये सर्कल में ये जो सांचे में बनाया हुआ है इस तरह से जैसे मैम ने बताया अलग अलग किसी भी तरीके
शेक आप ले सकते हैं। जी हाँ, अभी अभी इसे तेल गर्म हो चुका है हमारा। ओके, तेल आज का हमने गर्म किया था, अब हम इसे मीडियम कर देंगे। ओके, अब मीडियम आज से हम इसे ब्राउन करेंगे। ओके, पहले तेज किया था, फिर स्टीम पे अभी मीडियम आज पे इसको हम गर्म कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हम लेंगे पहले लेंगे हरा धनिया। ओके, और फुदीना। ओके, साथ में हमने लिए चार मिर्ची, ये मूंगफली, मूंगफली सिंगदाने, ये सीखे हुए बोलते हैं नींबू का फूल, हल्का सा लेना है, जस्ट एक ग्राम ही, ज्यादा नहीं, और दो चम्मच शक्कर। ओके, दिस इज टीस्पून, अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है, नींबू का फूल नहीं है, तो आप एक एक डेढ़ नींबू भी डाल सकते हैं। ओके, अब इसको हम चटनी बना रहे हैं। हमारी ग्रीन चटनी बनके तैयार है। ओके, साथ में हम सॉस सर्व करेंगे। जी, और ये है हमारी मीठी चटनी, मीठी चटनी या स्वीट एंड सॉल्ट। इसमें हम जैसे कि 100 ग्राम हमने खजूर लिया है, जी, साथ में से हल्की से हम इमली डालेंगे। ओके, और 50 ग्राम जैगरी डाल के हम इसे 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। ओके, फिर पुलिंग होने के बाद में इसके अंदर जो बीज रहती है, जी जी जी, वो हम निकाल देंगे। निकाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, साथ में इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा हल्का सा मिर्ची पाउडर, अपनी चटनी रेडी है। और एक चटनी में नमक हम पहले से नहीं डाला हुआ था, ताकि इसका कलर ना चेंज आए। ओके, और तो हम इसमें नमक हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम डालेंगे, कर लेंगे। ओके, नाउ क्या है, फिक्स है कि आप अगर पहले नमक डालते हैं तो उसका कलर नॉर्मली थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अगर आप बाद में डालें तो बेटर है। हम इसे सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट पे, आप दे सकते हैं। साथ में इसके साथ हम ब्रेड बटर। ओके, एक डिश है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के साथ भी, या तो शाम को डिनर में भी कर सकते हैं, कि डेली डेली हम वही चीज खा के उठ जाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू भी आप उठ जाते हैं, या तो शायद डिश है स्टार्टर है, कोई आपके घर पे आए मेहमान है तो स्टार्टर में पूछते हैं। ब्रेड बटर सर्व करेंगे। सो मैम, दिस इज रेडी टू सर्व फॉर यू। वाओ, डॉक्टर सपना, दिस इज फॉर यू। आपने हमें डिमांड की थी आपको सिखाने के लिए, तो हमने आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली प्लीज आप टेस्ट करके हमें बताएं कि कैसे बना है। आप घर पे बनाएंगी आई एम श्योर, तो उसके पहले मुझे तो यहाँ पे रेडीमेड टेस्ट कर देंगे, मिल जाएगा। थैंक यू फॉर आवर डिश, आई एम एंजॉयिंग इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन चटनी, ये जो हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, और ये सॉस अनोर टेस्ट है इसका, सुपर। और इसमें ना एक वो इमली और खजूर का ना टिपिकल टेस्ट आ रहा है, इट्स अमेजिंग। स्मिता डॉक्टर सपना, आपने तो सिर्फ एक चीज मांगी थी, हमें दो चीजों का रेसिपी बोनस में मिल गया है। थैंक यू, आपकी वजह से ये हो पाया। व्यूअर्स, आपने अगर अब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो तो डेफिनेटली बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके व्यूज शेयर डेफिनेटली करें इस व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे दिया गया है। एंड आई एम श्योर आपके जो कस्टमर हैं, जो आपसे ऑर्डर्स भी लेते हैं, वो इसको एंजॉय कर आपके ऑर्डर्स में, क्योंकि इतना घर का बनाया हुआ हेल्दी, इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट हैं। हमें बाहर से अच्छी चीजें तो मिल जाती है, टेस्टी चीजें मिल जाती है, लेकिन हाइजीनिक और हेल्दी नहीं होती, जबकि इसमें हेल्थ है, हाइजीन है, इतना टेस्टी है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग बेटर देन दिस। और स्पेशली इसमें मैम जो बल्क ऑर्डर लेती है, तो आई एम श्योर आपके जो हेल्पर्स हैं, और क्योंकि मैम मेरी है तो ध्यान रखे रहती है, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट यू आर एंड आई एम अ मदर, डेफिनेटली आई हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीनिक और डेफिनेटली डेफिनेटली। And thank you so much. I'm very, very grateful to give me a second chance. And in future also, I'll be with you. And next time, we'll bring something from this Shravan Mela.